आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली, हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूं संदर्शिका। आज की मीठी बात जुड़ी है उत्तर प्रदेश से। यूपी की सड़कों पर अब छुट्टा पशु भटकते नजर नहीं आएंगे। योगी सरकार ने इनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए कड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को छुट्टा पशुओं को गौ संरक्षण केंद्रों तक पहुंचाने, उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने और समय समय पर स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला अधिकारियों को इसे अपनी प्राथमिकता सूची में शामिल करते हुए जरूरी कार्रवाई करने को भी कहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को लगातार प्रदेश भर में सड़कों पर छुट्टा पशुओं की तादाद बढ़ने की शिकायतें मिल रही थी। इस पर सीएम योगी ने पहले भी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी, जिसके बाद काफी सुधार भी देखने को मिला है और अब योगी सरकार ने इस दिशा में और तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रदेश की सड़कों पर एक भी छुट्टा पशु ना दिखे। सीएम योगी का ये फैसला किसानों के लिए भी बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। छुट्टा पशु खेत में पहुंचकर किसानों की फसल बर्बाद कर देते हैं, ऐसे में उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। छुट्टा पशु को संरक्षण केंद्र भेजकर सरकार किसानों की ये परेशानी काफी हद तक कम कर देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को छुट्टा पशुओं की सुरक्षा और देखभाल का सही प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को गौ आश्रय स्थल बढ़ाने को कहा है। फिलहाल यूपी में छुट्टा पशुओं के लिए 6,800 से ज्यादा आश्रय स्थल चल रहे हैं। सीएम योगी ने विभाग को इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करने का आदेश दिया है, ताकि इसे कैबिनेट में शामिल कर बजट जारी किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने गौवंश आश्रय स्थलों के वित्तीय और प्रशासनिक प्रबंधन मजबूत करने को भी कहा है, जिससे आश्रय स्थल की स्थिति में सुधार आ सके। वहीं सीएम योगी ने हरे चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए गौचर भूमि की जियो टैगिंग और कब्जा मुक्त कराकर नेपियर घास लगाने को भी कहा है। इससे पहले लखनऊ की जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने अफसरों को एक खास जिम्मेदारी सौंपी है। अधिकारी अब रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आवारा पशुओं की तलाश करेंगे। ड्यूटी के दौरान ये अधिकारी सांड, गाय, बैल, लावारिस बछड़ों की फोटो खींचकर तुरंत मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को भेजेंगे। फोटो के आधार पर कैटल कैचिंग दस्ते मवेशियों की धरपकड़ करेंगे। इसके बाद मवेशियों को गौ आश्रय स्थल ले जाया जाएगा। इस पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।